हेलो गाइस, वेलकम टू इजी मेड विथ आर के। दोस्तों, हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हार्ट के टॉपिक पे रिलेटेड होगी। जैसे हार्ट का लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, यानी हार्ट को एक रेफरेंस लेते हुए सारा जो भी अगर अपकमिंग जो वीडियोस आएंगी तो एक हार्ट की सीरीज़ होंगी वीडियो में। तो होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं मीडियास्टिनम से, क्योंकि जब भी अगर हार्ट की बात आती है तो हार्ट लोकेटेड कहाँ है? सबको पता है कि हार्ट थोरेक्स में हमारा लोकेटेड होता है, बट थोरेक्स में एग्जैक्टली कहाँ पे वो लोकेटेड है? तो इसके लोकेशन से स्टार्ट करते हैं और वीडियो प्रोग्रेस करके हम इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, अलग अलग टॉपिक्स पे इसमें वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं मीडियास्टिनम से। तो मीडियास्टिनम क्या होता है? तो बेसिकली मीडियास्टिनम इज़ ए ट्रू एनाटॉमिकल कैविटी विद इन द थोरेसिक कैविटी दैट कंटेन ऑल द ऑर्गन एंड द मेजर सेंट्रल वेसल्स एक्सेप्ट द लंग्स एंड डायफ्राम। तो मीडियास्टिनम क्या है कि हमारे एक थोरेसिक कैविटी में एक एनाटोमिकल कैविटी है जिसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स कुछ लोकेटेड होते हैं और कुछ मेजर सेंट्रल वेसल्स लोकेटेड होते हैं। ऑर्गन लोकेटेड होते हैं बोले तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें बात ये सिर्फ है कि हमारे मीडियास्टिनम में कौन कौन से स्ट्रक्चर कॉन्टेन है, यानी कि मीडियास्टिनम में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर ऐसा देखा है तो मीडियास्टिनम में बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट फॉर इंस्टेंस इसमें हमारे ओसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, फ्रेनिक नर्व होता है, थोरेसिक डक्ट होता है, थाइमस एंड लिम्फ नोड होता है, इवन द आर्क ऑफ एओर्टा इसी में होता है। तो एक ये हो गया कि मीडियास्टिनम में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज की, तो मीडियास्टिनम देखिए मीडियास्टिनम बेसिकली क्या है। तो मीडियास्टिनम हमारे थोरेसिक कैविटी में एक वो स्पेस है जो कि हमारे दोनों लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है। तो ये जो मैंने एक ब्लू मार्क किया, ये जो ब्लू मार्क है ये टोटल आपका मीडियास्टिनम हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की, तो अगर इस मीडियास्टिनम को हम देखें तो इसके सुपीरियर में क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके सुपीरियर में हमारा हो गया ये, देखिए अगर इसके सुपीरियर में सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है कि नहीं। ओके, अगर हम इसके इन्फीरियर में देखते हैं तो हमारा ये देखिए आपका डेफ्राम है और साथ ही साथ हमारा जो है इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर भी है। ये अपर्चर हो गया इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर, ये हो गया हमारा सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर और थोरेसिक इलेट, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसकी एंटेरियर पोजिशन की, तो एंटेरियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये अगर मीडियास्टिनम है, अगर ये हमारा मीडियास्टिनम है तो इसके एंटेरियर में क्या है, तो हमारा स्टर्नम है। साफ इजीली देख सकते हैं स्टर्नम है। जैसे इसके हम अगर पोस्टीरियर की बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप देख सकते हैं डॉटेड में ये चीज़ हो गया आपकी वर्टिब्रा, यानी कि जो वर्टिब्रा है ये हमारे पोस्टीरियर साइड में हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अगर लेटरल साइड में देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये जो जो लेफ्ट और जो राइट लंग्स का जो प्लूरल कैविटी होती है, जैसे आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक अलग मार्क करते हैं, ये जो हमारी ये जो प्लूरा है, ये प्लूरा एक हमारा लेटरल बॉर्डर बनाता है लेफ्ट और राइट लंग दोनों के, ठीक इसी तरह इधर भी होगा, बट इधर का आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये जो प्लूरा है ये हमारा इसका लेटरल बॉर्डर बना देता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट प्लूरल कैविटी सराउंडिंग द लेफ्ट और इधर हो गया हमारा राइट प्लूरल कैविटी। तो ये हमारा बाउंड्री हो जाएगा। आप अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट में देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टीरियरली जो इसका है हमारा क्या है, तो पोस्टीरियरली हमारा है, चलिए एक बार इस डायग्राम को इरेज करके फिर से देख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं इसमें इस डायग्राम की मदद से, तो पोस्टीरियरली हमारा क्या है, तो ये हमारा वर्टिब्रा है, यानी कि थोरेसिक स्पाइन है, यानी कि हमारा वर्टिब्रा हो गया पोस्टीरियरली इस मीडियास्टिनम के, ठीक है। अगर इसकी एंटीरियरली देख रहे हैं तो एंटीरियरली हमारा ये क्या क्या हो गया, स्टर्नम हो गया और ये कोस्टल कार्टिलेज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अगर हम आप लेटरली देख रहे हैं तो जो हमने बात की थी कि मीडियास्टिनल प्लूरा और हमारा जो ये दोनों रिस्पेक्टिवली जो लेफ्ट और जो जो हमारा राइट लंग्स का जो प्लूरल कैविटी है, तो ये हमारा लेटरल साइड में इसको ऐसे एक एक बाउंड्री देता है, ठीक है। तो आप ये भी देख पा रहे हैं। अगर सुपीरियरली हम देखें तो सुपीरियरली आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जो थोरेसिक इनलेट है ये वाला पार्ट, ये हमारा थोरेसिक इनलेट है। तो कहीं ना कहीं अगर सुपीरियरली है तो हमारे थोरेसिक इनलेट हो गया, अगर इन्फीरियरली देख रहे हैं तो ये हमारा डायफ्राम हो गया, तो ये हमारा बाउंड्री हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके डिवीज़न पे, यानी कि जो मीडियास्टिनम का बाउंड्री तो हमने डिफाइन कर लिया,
स्ट्रक्चर की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी सब डिविजन्स की, यानी कि मीडियास्टिनम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम मीडियास्टिनम को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए इस एक छोटे से दूसरे डायग्राम को मदद से समझते हैं। मीडियास्टिनम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीडियास्टिनम एक सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम होता है। बट इस सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम को हम डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम को डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन और एक्सटर्नल प्लेन। ये जो प्लेन होती है ये हमारे एक्सटर्नल एंगल से पास करते हुए और T4 और T5 का जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इस प्लेन को ये ऐसे पास करती है, और पास करते से ही ये हमारे मीडियास्टिनम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि इस प्लेन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो सुपीरियर होगा, जाहिर सी बात है, तो इसको हमने नाम क्या रख दिया, सुपीरियर मीडियास्टिनम। और इस प्लेन का जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा जाहिर सी बात है इन्फीरियर होगा, तो इसको हमने क्या नाम रख दिया, इन्फीरियर मीडियास्टिनम, राइट। तो आप यहाँ पर थ्योरी में भी आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसवर्स प्लेन पासिंग थ्रू एक्सटर्नल एंगल टू द जंक्शन ऑफ वर्टिब्रा T4 और T5 सेपरेट द सुपीरियर फ्रॉम द इन्फीरियर मीडियास्टिनम, ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ठीक। तो अब क्या होता है कि बेसिकली सुपीरियर जो हमारा जो मीडियास्टिनम है उसका कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जो हमारा इन्फीरियर मीडियास्टिनम है उसको फर्दर तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो इन्फीरियर जो मीडियास्टिनम है आप बिल्कुल देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है इसका कोई यहाँ पे कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन जो इन्फीरियर मीडियास्टिनम है इसके आप तीन सब डिवीजन देख पा रहे होंगे, एक हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम, एक मिडिल मीडियास्टिनम और एक पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। यानी कि हमारा जो इन्फीरियर मीडियास्टिनम है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन हम इस तीन पार्ट को कब डिस्टिंगाइज कर पाएंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि सुपीरियर मीडियास्टिनम का जो एंटीरियर मीडियास्टिनम है, सॉरी, जो इन्फीरियर मीडियास्टिनम का जो एंटीरियर मीडियास्टिनम है वो कहाँ से कहाँ तक है, मिडिल मीडियास्टिनम कहाँ तक है और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कहाँ तक है। तो आप यहाँ पे थ्योरी में देख सकते हैं कि इसके सब डिवीजन में सुपीरियर मीडियास्टिनम, इन्फीरियर और इन्फीरियर के अंदर तीन, एक एंटीरियर मीडियास्टिनम जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मिडिल मीडियास्टिनम जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और एक पोस्टीरियर मीडियास्टिनम जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आइए इसके डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखिए इसका जो सबसे पहले अगर हम एंटीरियर मीडियास्टिनम की बात करते हैं इन्फीरियर की, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो पार्ट है ये पूरा पार्ट यही हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। तो एंटीरियर मीडियास्टिनम अगर हम देखें तो इसकी बाउंड्रीज को भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि देखिए कि द पार्ट दैट लाइज बिटवीन एस्टर्नम एंड पेरिकार्डियम, यानी कि वो पार्ट जो एस्टर्नम, यानी कि हमारा एस्टर्नम हो गया और ये हमारा पेरिकार्डियम हो गया, यानी कि वो पार्ट जो एस्टर्नम और पेरिकार्डियम के बीच में स्थित है उसको हम एंटीरियर मीडियास्टिनम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये एंटीरियर मीडियास्टिनम जो है, एंटीरियर मीडियास्टिनम के एंटीरियर में क्या है तो एस्टर्नम है, और एंटीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर में क्या है तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पेरिकार्डियम। तो यही जो स्पेस होता है इसी को हम कहते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक। अब बात करते हैं हम मिडिल मीडियास्टिनम की। तो मिडिल मीडियास्टिनम की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये पूरा पार्ट, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पार्ट है हमारा मिडिल मीडियास्टिनम, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पूरा जो हार्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि जो पूरा जो पेरिकार्डियम है, तो ये पूरा जो हर्ट इनक्लोज्ड पार्ट है इसी को बोलते हैं मिडिल मीडियास्टिनम। अब बात करते हैं हम इसमें पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की, कि तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कौन सा है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और समझते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम को। तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम जो होता है हमारा, ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट आपको चलिए ब्लू में देखते हैं, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ये जो पूरी जो पार्ट है ये हमारा हो गया, हमारा ये होगा हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के पास क्या है कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम जो है इसके पोस्टीरियर में, यानी कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर में क्या है हमारा, तो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, और इसके इंटीरियर में फिर से हमारा क्या हो गया, तो पेरिकार्डियम हो गया। तो ये जो पूरा जो स्पेस है ये हमारा हो गया पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम, ये पूरा पार्ट,
ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल मीडियास्टिनम, ये पूरा पार्ट मिडिल मीडियास्टिनम हो गया और ये पार्ट हमारा हो गया पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक, ये एक और छोटे से डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं क्या है। ये जो लाइन है यानी हमारा जो एक्सटर्नल एंगल से T5 और जो T4 यानी T4 और T5 के बीच से ये लाइन पास होती है और यही हमारा जो लाइन है डिवाइड करती है हमारे मीडियास्टिनम को। तो ये हो गया सुपीरियर, नीचे वाला हो गया हमारा इन्फीरियर। सुपीरियर में कोई फर्दर डिवीज़न नहीं है लेकिन इन्फीरियर में हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है, इंटीरियर मीडियास्टिनम है और मीडियास्टिनम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं अच्छे से। तो इसकी जो दूसरी वीडियो होगी, हाँ इस वीडियो में थोड़ी सी कंटेंट कम है क्योंकि इसकी जो सेकेंड पार्ट की जो वीडियो होगी उसमें क्या होगा कि हम इसकी पूरी जो है यानी कि सुपीरियर मीडियास्टिनम का बाउंड्री, उसके सारे स्ट्रक्चर्स और इन्फीरियर मीडियास्टिनम की फिर से पूरी बाउंड्री और उसके सारे स्ट्रक्चर्स के साथ हम इसकी दूसरी वीडियो में अच्छे से इसके डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।